भागलपुर जिले के सुल्तानगंज के मिट्टी में जन्मे अंगिका भाषा को पहचान दिलाने वाले कवि आज पंचतत्व में विलीन हो गए। हम आपको बता दें कि अंगिका तथा हिंदी साहित्य में इनका अमूल्य योगदान है। अंगिका भाषा को समर्पित हीरा बाबू का जन्म 6 सितंबर 1950 को सुल्तानगंज के कटहरा में हुआ था। अपनी लेखनी से अंगिका में कई खंड काव्य महाकाव्य की रचना इन्होंने की। इनके काव्य खंड पुस्तक उतंग, हमरो अंग और अंगिका महाकाव्य तिलका मांझी TMU में MA के पाठ्यक्रम में छात्र फिलहाल पढ़ रहे हैं। वो अखिल भारतीय अंगिका साहित्य कला मंच के राष्ट्रीय महामंत्री थे। अंगिका में गजल संग्रह, हिंदी संस्मरण, हिंदी काव्य संकलन, हिंदी एकांकी, लोक गाथा पर उपन्यास, कुंडलियों व दोहे लिखे सहित कई सम्मान पुरस्कार भी उन्हें मिले हैं। सुल्तानगंज के मुक्तिधाम में आज अंतिम संस्कार उनका किया गया। शोक व्यक्त करने वालों में समस्त कविगण तथा उनके गाँव वाले मौजूद रहे। भागलपुर जिले में पुलिस का एक जवान धनंजय कुमार पासवान हेलमेट मैन के नाम से मशहूर हो गया है। विगत 6 वर्षों से यह जवान सड़कों पर चलते हुए मुसाफिरों व चालकों को हेलमेट पहनाकर गाड़ी चलाने हेतु जागरूक कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वे अपनी सैलरी से जो चालक हेलमेट नहीं लगाते हैं उनको हेलमेट भी बांटते नजर आते हैं। इसके इस बेहतरीन कार्य के लिए स्मार्ट सिटी भागलपुर में ये काफी सुर्खियों में आ गए हैं। धनंजय कुमार पासवान कहते हैं कि मैं बांका जिला के रहने वाला हूं, मेरा परम मित्र सड़क दुर्घटना में उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी। उसने हेलमेट नहीं पहना था, तब से मैंने ये प्रण कर लिया है कि बिना हेलमेट किसी की जान नहीं जानी चाहिए। अब ये सुपर हीरो भागलपुर कोर्ट में एक सिपाही के रूप में कार्यरत है। आज भी ये कचहरी चौक पर लोगों को गुलाब देकर जागरूक करते नजर आए, साथ ही कई लोगों को इन्होंने हेलमेट भी बांटा। सर एक्चुअली में क्या है ना सर, मेरे घर के जो बगल में एक फ्रेंड थे वो बिना हेलमेट पहने थे, इसके वजह से वो एक्सपोर्ट डेट कर गया। उस दिन से मैंने कसम खा ली है कि अपना वेतन से हेलमेट को बांटूंगा और जान को बचाने का काम करूंगा, और ये बरकरार मैं उम्मीद है कि बना के रखूंगा। अब जाने ऊपर वाला है ना, कब से कर रहे हैं ये सर? हम 2018 से कर रहे हैं सर जी। ये देखिए सर, दूसरे का जान अपने जान के तरह से होता है। जिस तरह हमको अगर सुई चुभ जाए तो दर्द होता है, उसी तरह दूसरे को भी दर्द होता है सर। इसीलिए उसी दिन से लगा, मेरा जिगरी फ्रेंड था, उसी दिन से हम सोचे नहीं हेलमेट बांटेंगे तो बांटेंगे। और संयोग से सर 2018 से तो मेरा 13 में ही नौकरी लग गया था, तो मेरा एक जरिया बन गया कि नहीं पैसा आ रहा है तो चलिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो मैं सिद्धांत बना लिया सर कि उस दिन से मैं हेलमेट बांटूंगा और बरकरार ये चीज बना रहेगा सर। भागलपुर में सड़क हादसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार पुलिस प्रशासन की लापरवाही से हाईवा और ट्रक की चपेट में आने से लोगों की मौत हो रही है। ताजा मामला सबौर थाना क्षेत्र के NH-80 इंग्लिश फरका चौक का है। यज्ञ देखकर लौट रहे बाइक सवार दो युवकों को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया, जिससे मौके पर ही दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक चालक भागने के क्रम में ट्रक लेकर गड्ढे में घुस गया और वहीं छोड़कर उसे फरार हो गया। इधर घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने NH को जाम कर दिया, वहीं पुलिस पर भी पथराव किया लोगों। DM को आने की मांग पर लोग अड़े रहे। 200 से अधिक पुलिस जवानों को घटनास्थल पर तैनात कर दिया गया। अधिकारियों ने किसी तरह आक्रोशित लोगों को शांत कराया। वहीं लोगों का कहना था कि पुलिसकर्मी लगातार उगाही करते हैं, ट्रक चालकों से वसूली करते हैं, जिससे इस तरह की घटना घटित होती है। आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल काटा। मृतक की पहचान घोगा थाना क्षेत्र के पन्नूचक के गौतम ताती और सबौर थाना क्षेत्र के घोसपुर निवासी सोनू कुमार के रूप में हुई है। दोनों यज्ञ देखने जा रहे थे तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया। थाना वाले को पैसा नहीं दिया, उस गाड़ी को खरीद रहा था, ये बेचारे का एक्सीडेंट हुआ, इसी को मारा है, गाड़ी जाके आगे से नीचे उतरी हुई है, नहीं है तो विश्वास, आप मीडिया वाले जाके जाके देखे कि गाड़ी कहाँ है। कब हुआ एक्सीडेंट? शाम में हुआ, अभी से 3 घंटा हो चुका है, अभी कोई भी सुनवाई या कोई भी कार्रवाई किसी भी प्रशासन से या किसी भी उससे नहीं हुआ है। कहाँ का ये दोनों लड़का है? जो गाड़ी वाला पैसा नहीं देता ओवरटेक करके पैसा लेती है, ना आपका विश्वास हो तो हम आपका वीडियो दिखाएंगे उसका, ओवरटेक करने का, वो पैसा लेने का, हर हाईवे वाले का, हर चक्कर वाले का, हर ट्रैक वाले का, हर चीज का हम वीडियो दिखाएंगे, ट्रैक वाले का और थाने वाले का। बोलिए तो वीडियो का चाहिए तो बोलिए, हम वीडियो देने के लिए तैयार है। की कारण छे एक्सीडेंट हो रहा? कोई कारण ना छोड़ो, मोटर से किले का आइला है, मेले से खाली जता कर कहां जता पे। की नाम छ का लड़का रो? गौतम नाम छ। कब पता चला आपका बेटा का एक्सीडेंट हुआ? आधा घंटा पहले ही बहुत हो गया। क्या लग रहा है एक्सीडेंट का क्या कारण है? पता
यहाँ के पब्लिक, यहाँ के पब्लिक के द्वारा बताया जा रहा है कि पुलिस वसूली करती है। कैसे हुआ हम पूछ रहे हैं। क्या नाम था लड़का का? अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर जिले के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के मारुफचक लाइन जुलमी चौक निवासी राजू यादव का पुत्र तनु यादव डेली शराब पीकर अपने बस्ती में हंगामा करता था। आज तो उस समय उसने हद ही पार कर दी, जब उसने अपनी माँ और बहन को भी नहीं छोड़ा। इस दरमियान गांव वालों की मदद से उसकी माँ ने 112 को डायल किया और 112 की गाड़ी उसे उठाकर मुजाहिदपुर थाने ले गई है। उसकी जाँच जब की गई तो जाँच में शराब पीने की पुष्टि हुई है। बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। दारू पी भी ले छी, कहाँ पिए छी नहीं पिए छी को पता नहीं छी, घर में भी मारपीट करी छी सबे से, सबे से ना हमरा से तोड़ा था, दोनों माय बेटी से। अच्छा, आरो कुछ बोले छ? नहीं, आरो कोन चीज बोलते। तो ओकरा माय होलो? हाँ, हमर माय होली। ओ डेली नौटंकी गिरी करे छ? डेली वही ड्रामा छ ओकरो। की नाम लन बेटा रो? तन्नु। अच्छा, आज परेशान हो गलो ना तो लोग ओकरा से? परेशाने हो गेली हमरा बकत बका बक कोई दूसरा आदमी के जबूर बुझाई छी, बोले ओकरो बकना शुरू करी दी छी, गलत काम छै। त आज की होले? आज वही होले, पीबी खा के मार पीट हमरा साथ में, तोड़ा साथ में होले। अब बगल ला पड़ोसी कभी मार पीट करला छै? पड़ोसी भाई हमरा जे हम्मा जे बोल लिए सबके, जे हमरा बारे में जे बोल लके तो ग्रोस नीस बिड़ी गली। ओ, ई डेली रो नियम छै ना? हाँ, डेली ओसे करी छै, कभी करलखोन कभी नहीं करलखोन, कहां पिलखोन नहीं पिलखोन, के पिलखोन नहीं पिलखोन, कोई पता नहीं। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के मनियारपुर गांव में जमीन बेचकर गोदरेज में रखे 10 लाख रुपए चोरी हो जाने को लेकर देवर और भाभी के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने दोनों जख्मी को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया है। पीड़ित ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि भाई के 2 साले ने अपनी बहन पूनम देवी के कहने पर मेरे गोदरेज में रखे 10 लाख रुपया उसे तोड़कर निकाल लिया है। 8 दिन पहले गांव के ही लोगों को जमीन बेची गई थी, दोनों ने 5-5 लाख रुपया दिया था। ओम प्रकाश की बेटी खुशबू ने बताया कि पापा 2 कट्ठा जमीन बेचकर रुपया गोदरेज में रखे थे, बड़ी मम्मी और अन्य 2 लोगों ने तोड़कर उस पैसे को हड़प लिया है। पापा उस रुपये से दूसरे जगह जमीन लेने वाले थे, विरोध करने पर बड़ी मम्मी पूनम देवी ने मेरे सिर पर भी हसुए से हमला किया है, जिससे मैं जख्मी हो गई हूँ। इस संबंध में थाना अध्यक्ष सफदर अली ने बताया कि 3 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। दोनों पक्ष में आपसी सहमति की बात चल रही है, लिखित शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कारण मेरा पैसा वो जमीन का था, वो बहन ने जान दिया तो बहन को बोल दिया कि ऐसे ऐसे पैसा लेते तो यहाँ मोटरसाइकिल या पैसा लगा तो जल्दी तोड़ के लेना थंकी से और हथौड़ी से गुदेरन मारी तोड़ के
दसों लाख रुपया लेकर के लिया पैसा मन्ना कुमार कौन आपका वो कौन है? मेरा भाई का सलाह हुआ और उसका चाचा का बेटा हुआ राहुल कुमार वो सुंदरबन तिलकामणि का दोनों मिल कर को 7 बजे सुबह ऐसा लेकर किसको किसको मारा है? मेरा बेटी को मारा का हसू लेकर काटे हैं कपार के माथा पर काट दिया मेरा कपार में यहाँ काटे हैं फिर पीठ में काटे हैं फिर हसू छीने तो यहाँ हाथ में काटे कहेला गोदरेज अनबाड़ी तोड़ के आ रही थी उसी ने बोले तो इसीलिए हमको बैठी से मार माथा में मारा तो। किस वजह झगड़ा हुआ है? गोदरेज अनबाड़ी में पैसा था तो तोड़ दी थी इसीलिए बोले इसीलिए मार दी। अपनी बड़ी मम्मी है? हाँ अपनी। क्या नाम है जो मारा आपको? पिंकी देवी उर्फ पूनम देवी। कितना क्या क्या हुआ? वही मारपीट। पैसा वैसा भी लिया? हाँ पैसा लिया। कितना? 10 लाख था और मारी हसू से। कहाँ से आया था पैसा? 10 लाख तो कथा पापा जमीन बेचे थे कहीं और लेते जमीन इसीलिए गोदरेज अनबाड़ी में पैसा रखे थे। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मखना गांव के 6 फरार आरोपियों के घर कुर्की जब्ती का इश्तेहार चिपकाया गया। इस दौरान जगदीशपुर पुलिस ने ढोल बजाते हुए वो आरोपी के घर पहुंची और उसके दरवाजे पर इश्तेहार चिपकाया। मामला पंचायत के मुखिया मुकेश मंडल और सरपंच जवाहर यादव के बीच मारपीट से जुड़ा हुआ है, जिसमें मुखिया ने सरपंच उसके पुत्र और भाइयों समेत 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें मारपीट और अनुसूचित जाति एक्ट के तहत आरोप लगाया गया था, जिसके बाद से सरपंच और उसके सहयोगी फरार चल रहे थे। थानाध्यक्ष गणेश कुमार ने कि करीब 6 महीने पूर्व सरपंच और उसके सहयोगियों ने मुखिया के साथ मारपीट की थी, जिसको लेकर कोर्ट से कुर्की जब्ती का आदेश निर्गत होने के बाद सरेंडर करने का इश्तेहार चिपकाया गया है। सरेंडर नहीं करने पर घर की कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। बांका जिला अंतर्गत शंभुगंज थाना क्षेत्र के अराजी करसोप निवासी माला देवी घरेलू प्रताड़ना व मारपीट से दुखी हैं। उक्त महिला कहती हैं कि मेरे पति घर से बाहर रहती हैं, उनकी अनुपस्थिति में मेरे जेठ व उनके पुत्र के द्वारा मेरे साथ अभद्र व्यवहार की जा रही है और मारपीट भी करते हैं। वह कहती हैं कि मैंने अपना दुखड़ा व आवेदन शंभुगंज थाने में भी दिया पर वहां मेरी शिकायत दर्ज नहीं की गई। उसके बाद बांका जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी मेरी शिकायत नहीं सुनी जा रही है। इस बारे में अपनी शिकायत लेकर माला देवी आज भागलपुर पूर्वी प्रक्षेत्र पुलिस उपमहानिरीक्षक कार्यालय पहुंची। अब देखना दिलचस्प होगा कि बांका जिले से आई इस महिला के साथ उचित जांच कर क्या कार्रवाई पुलिस की ओर से होती है। आवेदन दिए थे थाना पे मारपीट का केस, मारे हैं जेठ जी उसका बेटा, बहुत पीटे हैं। मेरा गार्जियन घर में नहीं था इसलिए वहां थाना पे नहीं लिया, गाली गलौज करके भगा दिया। तो फिर वहां बांका गए, वहां भी आवेदन दिए, वहां भी कुछ नहीं हुआ। कहां गए थे आवेदन लेके? एसपी साहब के पास। क्या बोले वहाँ से? वहाँ से बोला हो जाएगा पर कहाँ कुछ हुआ, 1 हफ्ता हो गया, अगले शनिवार को गए थे। यहाँ कहाँ आए हुए हैं? यहाँ DIG साहब के पास आए हैं। क्यों मारपीट करता है आपके ऐसे साथ? मन से, पैसा वाला है, हम गरीब हैं, मेरे घर कस्टमर आता है उसके उसे प्रॉब्लम होता है। कौन कौन मारा है? जी मारे हैं प्रमोदपुर में, उसका बेटा आशुतोष कुमार। आपका जेठ है? उनका पिता का क्या नाम है? बनबारीपुर शंभुगंज थाना पड़ता है। थाना क्या बोले? थाना बोले जाओ, कुछ नहीं हो सकता है।